कभी वैसे दिल चाहता है कि काम से ब्रेक हो जाए तो बस तैयारी करती हूँ। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और यहाँ पर भी एसी नहीं चल रहा, पंखा भी काम गया। ये वाले ना दो पैकेट दिखाना बेटा, ये दिखाओ। तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम सरप्राइज तो नहीं मिला, ये तो हमारी रूटीन है। ये गर्मा गर्म पराठा एंड ऑमलेट। थोड़ी सी आप चीज़ें ले लें तो 10,000 का बिल आराम से। नहीं, महंगाई है, इतनी शदीद तरीन महंगाई मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कि रही हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। जुमा मुबारक आप तमाम लोगों को, लेकिन जब तक वीडियो लगेगी तो जुमा शायद गुजर चुका होगा, रात हो चुकी होगी। तो आज जुमे के रोज़ मैंने नमाज़ पढ़ी, इतना सुकून सा महसूस होता है ना जुमे की नमाज़ के बाद दुआएं पढ़ के सुकून से। अब मैं बैठी हूँ, अब लंच करूँगी, फिर मैंने ग्रोसरी लेने जाना। और आज आप लोगों से मैंने मटन की एक रेसिपी शेयर करनी है, जो कि आसान है, जल्दी बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत मज़े की होती है। जो जो खाता है ना घर में वो तारीफ़ करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे रेसिपी शेयर की जाए। तो अभी पहले ज़रा मेरा लंच आ जाए। आज लंच मेरा दरअसल ब्रंच होता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आज लेट उठी हूँ। अब्बा जी की तबीयत आपको बताया था कुछ ठीक नहीं रहती, तो रात तकरीबन उनके साथ गुजरती है, फिर फजर के बाद थोड़ी देर सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर बीच में इस तरह करके नींद के पैटर्न को मैंने डिवाइड कर लिया। तो मैंने आज पराठा और ऑमलेट खाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनाए। डोमेस्टिक हेल्प भी चेंज हो गई है, तो देखते हैं कैसा नाश्ता ब्रंच लेकर आती है। उसके बाद फिर ग्रोसरी करने जाएंगे, कुछ चीज़ें लाने वाली हैं, उसके बाद फिर रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, और आपने फिर उस रेसिपी को ट्राई करना है और बताना है कि आपको कैसी लगी। ये गर्मा गर्म पराठा एंड ऑमलेट खाने वाली हूँ मैं, बड़ा यमी लग रहा है। बड़े मज़े का मैंने ब्रंच किया है, मज़ा आ गया। और मज़े के साथ साथ ना अब सुस्ती आ रही है, जी चाह रहा है, कह रहा हूँ आराम से बिस्तर पर लेटूँ और सो जाऊँ, लेकिन काम काफ़ी सारे करने हैं। कभी कभी वैसे दिल चाहता है कि काम से ब्रेक हो जाए, तो बस तैयारी करती हूँ। ये ग्रोसरी की लिस्ट मेरे पास है, लाइट्स ऑन कर ली जाएँ, और जी तैयार होती हूँ। चेंज करना ज़रूरी है ना, क्योंकि ट्राउज़र शर्ट में पूरा दिन गुजरता है, तो मार्केट जाते हुए ये नहीं हो सकता। तो अभी ये लिस्ट देखें, ये टिप मैंने पहले भी आपको दी थी कि जब आपने ग्रोसरी शॉपिंग पे जाना है तो आप लिस्ट बना लें ताकि कोई चीज़ भूले ना। तो बस तैयारी कर लूँ, फिर निकलते हैं ग्रोसरी के लिए जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज के व्लॉग में शायद खाना बनाने वाली रेसिपी जो है वो आपसे शेयर ना हो, देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्ड करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। ग्रोसरी लेने के लिए मैं पहुँची हूँ और गर्मी हसबे मामूल काफ़ी ज़्यादा है। चाबी निकाल ली जाए गाड़ी की ताकि साजो सामान लिया जाए। गर्मी जी लाहौर में तो है ही है, कराची में सुना है शदीद तरीन गर्मी है, 52 डिग्रीज टेम्परेचर है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। चले जी चाबी गिर गई है तो इसको भी उठाते हैं। तो 52 डिग्रीज टेम्परेचर में आप सोचें वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। और कराची वाले इतनी गर्मी के आदी नहीं है, दुआ है कि वहाँ मौसम बेहतर हो जाए, कुछ सुकून हो, क्योंकि इस गर्मी में बहुत ही बुरे हालात हैं। और सुना है कि 13 अफराद इस गर्मी के बायस इस जहानी फ़ानी से भी चले गए। चलें जी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला मौसम की शिद्दत कम करके सबके लिए आसानियाँ करे। ये जी शॉपिंग हो रही है, काफ़ी सारी ग्रोसरी मैंने ले ली है। अब मसालों वाली साइड पर मैं आ गई हूँ। और ये देखें, ग्रोसरी महीने की भी आप कर लेना तो उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ लेने आना पड़ता ही है हफ्ते के बाद। खासतौर पर सब्ज़ी और फ्रूट तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी मुझे याद आ गया बिस्किट्स लेने हैं, वो लेते हैं और फिर सब्ज़ियाँ लेते हैं। और यहाँ पर भी एसी नहीं चल रहा, पंखे चल रहे हैं, इसमें कॉशन की गर्मी लग रही है। और लाइट भी आप देखें कितनी डार्क सी आ रही है, येलोइश सी। अभी एक और चीज़ हमें लेनी है जो कि है रस, क्योंकि जब दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी खाने को तो फिर रस जो है ऐसे वक्त बड़े काम आते हैं। बाकी ऑलमोस्ट ग्रोसरी पूरी है, फिर सब्ज़ी सेक्शन में चलते हैं। ये जी पहुंच गए हैं हम, डबल रोटी, बन, अंडे। और इसी सेक्शन में रस हुआ करते थे, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे ये हैं, लेकिन ये अच्छे वाले नहीं हैं। ढूंढती हूँ कहाँ हैं, अभी तक नहीं नज़र आए। रस जो है ना अब अजीब से आने लगे हैं, वाइट से मैं आपको दिखाती हूँ। ये पैकेट कहाँ गया, ये वाले ना डॉन के, ये पहले बड़े अच्छे आते थे। ये पैकेट दिखाना बेटा, ये दिखाओ। ये ना आप ज़रा वाइट वाइट से ऐसे लगता है कि आपको सही से कुछ नहीं है, ये मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगते। और दूसरे ब्राउन वाले भी हैं नहीं, आप कहीं और से लेने पड़ेंगे। आप सब्ज़ी की बारी आ गई, इस
सेक्शन में चलते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ सीढ़ियों से हम जाएंगे नीचे जहाँ पर सब्ज़ी का सेक्शन है, कुछ सब्ज़ी लेंगे। और यहाँ ना मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप भी है जिसका कभी कोई काम नहीं आता। और सब्ज़ी सेक्शन में और ज़्यादा हद से गर्मी, क्योंकि पानी पर है, पानी चढ़ते हैं सब्ज़ियों के ऊपर। फूड तो सारा है लेकिन अब सब्ज़ियाँ हैं। तो 2 किलो प्याज कर दो दरमियाने साइज का और 2 किलो टमाटर। और यहीं से मैं अपनी सब्ज़ी लेके जाती हूँ। ये देखिए हम मुझे शॉप में जा रही हूँ। बाकी सब सामान जो है वो कम्प्लीट हो गया है। सब्ज़ियाँ भी फ्रेश हैं, देख लेती हूँ अगर कोई और सब्ज़ी चाहिए तो वो ले लेती हूँ। शुक्र गर्मी है। सामान लेकर गाड़ी में बैठी हूँ और आप देख लें पसीना किस कदर आ गया। और मैं सोच रही हूँ जो अंदर स्टोर में काम करने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से काम करते होंगे, क्योंकि फैंस भी ठीक से नहीं काम कर रहे हैं। तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, गर्मी की शिद्दत ज़रा कम हो जाए और थोड़ी सी आप चीज़ें ले लें तो 10,000 का बिल आराम से बन जाता है। और आप 10,000 रुपये अगर निकलवाते हैं ना तो आप यकीन जाने के 2 दिन भी नहीं निकलते और पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इतनी महंगाई है, इतनी शदीद तरीन महंगाई मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कि रही हो। अब मामला ये है ना कि हमारी इनकम वहीं स्टक है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल्स आ रहे हैं, तो पानी का भी बिल आता है और कुछ जगह पे तो टैंकर्स डलवाना पड़ता है। तो बड़े मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला रहम करे। वही बात है कि हम फिर अल्लाह से ही दुआ करते हैं क्योंकि हुक्मरानों से हमें लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से चलते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं, फिर घर चलते हैं। और इस व्लॉग में यही रूटीन दिखाऊँगी और एक व्लॉग आज रिकॉर्ड कर लूँगी जिसमें खाना बनाने का पूरा प्रोसेस और रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन उसको कल या परसों लगाऊँगी इंशाल्लाह। घर एंटर हुई हूँ तो मुझे सरप्राइज़ तो नहीं मिला, ये तो हमारी रूटीन है। हारिस आया और हारिस ने आपको पता है एसी भी नहीं चलाया था। मुझे लगता है गर्मी जो है ना हारिस पे कुछ असर कर गई है। असल में थोड़ा मैंने कहा कि फिर खाना बनाना है ना, तो खाना बनाने से पहले मैं सामान ले। आज कुछ स्टोरीज हैं मेरे पास, बिल्कुल 2-3 आप बता रही थी कि निकाली भी हैं और आज करनी भी है। मैं अंकल के पास बैठा हुआ था, हाँ, अंकल के साथ गपशप कर रहा था। हारिस की बहुत दोस्ती है अब्बू के बहुत साथ, दोस्ती है। गपशप करते हैं, मुझ पर अक्सर गुस्सा कर रहा था क्योंकि मैं दवाई खिलाती हूँ ना, तो दवाई खिलाने वाला शख्स बहुत बुरा लग रहा होता है एट टाइम्स। तो बस मजबूरी भी, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी जी अभी हमने रिकॉर्डिंग भी करनी है, कुछ गेस्ट भी हमारे आ गए हैं, तो खाना भी बनाना है। खाने की रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर करनी है लेकिन अब वो अगले व्लॉग में। तो अब के लिए इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।